औज़ु बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़रा खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस शेयर करूँगा आपके साथ 12th क्लास केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जेंस होते हैं कुछ बच्चे बहुत शौक से करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना कन्वर्जेंस के लिए, वो आपके 8 से लेके 12 तक के हैं, ठीक है। 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12 पांच चैप्टर्स हैं, और जो इनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कन्वर्जेंस के लिए वो 8वें, ठीक है, 10वें, उसके साथ 12वें। अगर आप लोगों को ने कन्वर्जेंस मतलब करके जानी है आपके पास, मतलब लाजमी आपने ये सोचा हुआ है कि आपने कन्वर्जेंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन में हर पार्ट में एक कन्वर्जेंस लाजमी आएगी या दो कन्वर्जेंस आपके पेपर में मस्ट होती हैं, तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो लाजमी करें। लेकिन अगर आप लोग कन्वर्जेंस को स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छी चॉइस होती है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कन्वर्जेंस करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे करते भी हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, उनके सामने कोई भी कन्वर्जन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, उनके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपके जो एक्सरसाइज में कन्वर्जेंस दी गई हैं वही ज़्यादा अहम है, और उनमें से मैं आपको निशान लगा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस की क्वेश्चन में कन्वर्जेंस दी गई हैं और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पांच चैप्टर्स बताए हैं, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनमें से आपने 8वां करना है फर्स्ट पे, 8वां करें, 10वां करें और 12वां करें, इनकी कन्वर्जेंस आपने लाजमी करके जानी है। बाकियों की आप लोग स्किप कर सकते हैं, और तकरीबन हर चैप्टर की 5 या 6, 6 या 7, 7 कन्वर्जेंस हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन दिया गया कन्वर्जेंस का। तो 8वें की एक्सरसाइज भी चलते हैं, अलाफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इसके एक्सरसाइज यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जेंस, ये 4 दी गई हैं, वेरी 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 इजी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने फिंगर टिप्स पे रट लेना है। इन कन्वर्जेंस को 4 हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो है वो आपके पास 2 और कन्वर्जेंस दी गई हैं, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जेंस, 2 गई दी गई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, तो पीछे 4 हो गई और 2 ये होगी, 6 आपकी कन्वर्जेंस हैं जो आपके चैप्टर नंबर 8 की इंपॉर्टेंट हैं। 8 तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, जो चीज़ बता रहा हूँ वो वाली कन्वर्जेंस आपने लाजमी करनी है, और जो नहीं बताऊंगा वो आपने स्किप कर देनी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके इतने इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपने लाजमी करनी है, लेकिन पहले आपने बार बार कह रहा हूँ कि 8वां, 10वां और 12वें चैप्टर की कन्वर्जेंस को अच्छे तरीके से करना है। इसकी जो कन्वर्जेंस हैं आपके पास वो है, क्या कहते हैं, इसकी कन्वर्जेंस है ही नहीं आपके पास मेरे ख्याल से, इसकी कन्वर्जेंस नहीं है, सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दी है, आपने इसकी कन्वर्जेंस नहीं करनी और ना ही इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में नहीं दी गई। 8वां, 9वें को स्किप कर दें, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 4 चैप्टर अब आपके पास हो गए हैं, तो चारों के 4 कर लें। अगर उसमें से सिलेक्टिव करना चाहते हैं तो 8वां, 10वां और 12वां तो मस्ट करना है। चैप्टर नंबर 10 है आपके पास अल्काइल हैलाइड, इसके जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। इसके लास्ट पे ही दी गई हैं ये वाली 5 कन्वर्जेंस हैं इस चैप्टर की, और यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिहाज से। ये आपने लाजमी 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 करके जाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेपरेट क्वेश्चन कन्वर्जेंस का बना हुआ है और 5 कन्वर्जेंस हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये रिपीट हो सकती हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से करके जाना है, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने मार्क्स कहीं से भी, जहाँ से भी आपके स्कोर होते हैं कहीं से भी आप लोग गेन कर सकते हैं, तो आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स, इसके जो आपके पास कन्वर्जेंस हैं वो है यहाँ पे आपके पास, आपने डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन नंबर 12, इसकी भी इतनी कन्वर्जन नहीं दी गई। मतलब 3 मेन चैप्टर्स जो है ना वो आपके वही हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, 8वां, 10वां, 12वां, लेकिन जो मैं बीच में बता रहा हूँ आप लोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है। हाउ विल यू कन्वर्ट चैप्टर नंबर 11 का मैथनल इंटू एथनल, एथनल इंटू मैथनल, एथनल इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड इंटू एथाइल अल्कोहल, तो ये 4 हैं इसकी, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्जेंस का चैप्टर नंबर 11 में। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए, 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, तकरीबन आपके 2 सवाल हो जाएंगे अगर आप लोग कन्वर्जेंस जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेते हैं। इसमें आपने जो करनी है कन्वर्जेंस वो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 और 17।
16 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सारे करके जाएं, फिंगर टिप्स पे आपको कन्वर्जेंस आनी चाहिए। कोई मैं सिलेक्टिव नहीं इसमें से बता सकता कि आपने अभी ये करनी है ये करनी है। अगर इसको करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, आपने 8वें 10वें और 12वें चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लिया जो मैंने बताई है, उसके बाद आपने जो चैप्टर नंबर 12 का है ना, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपको ये कन्वर्जेंस दी गई है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये भी साथ हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अच्छे तरीके से आना चाहिए चैप्टर नंबर 12 का। तो ये आपके पास 12th क्लास की इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस थी। अगर आप लोग गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं 2024 का केमिस्ट्री का, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, एवरेज स्टूडेंट के लॉन्ग, टॉपर स्टूडेंट के लॉन्ग, 10 to 15 टाइम्स रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, सारे उसमें आपको पेयरिंग स्कीम, पासिंग फार्मूला, हर चीज़ उसमें मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को बाय करना चाहते हैं तो लाजमी बाय कर सकते हैं। 0316483812 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे मैसेज करके आप लोग गैस पेपर को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय नहीं करना चाहते तो मैं इसी तरह सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, एक प्ले लिस्ट मैं बना दूंगा 12th क्लास केमिस्ट्री गैस पेपर के 2024 के नाम से। तो आप लोगों को जिसमें भी प्रॉब्लम है, आप लोग उस अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में शो हो जाएंगी, जिसमें भी प्रॉब्लम है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करें। 10 से 14 दिन पड़े हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से 26वीं सहरी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और रमज़ान भी अब अलविदा होने वाला है, आज आखिरी जुम्मा था, तो अल्लाह पाक इस आखिरी जुम्मे के सदक़े अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको मतलब जितना अपने स्कोर करना है अल्लाह पाक आपकी सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। और आपका आप जो अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहते हैं, अल्लाह पाक सबकी जो दिली ख्वाहिशें हैं वो पूरी फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।